नमस्कार। आज 30 तारीख सोमवार, अभी 4:30 बजे हैं दिन के। मैं डीसी जालंधर वरिंदर कुमार शर्मा आपसे बोल रहा हूँ। यह मैसेज जो है, यह संदेश जो है, मेरे प्रवासी भाइयों के लिए है। प्रवासी भाइयों, आज मैं एक संदेश आपकी तरफ, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का ये मानना है कि आप सभी लोग यूपी, बिहार, उड़ीसा, अन्य अन्य जगह से जो पंजाब में या जालंधर में आकर काम करते हो, आपकी वजह से हमारा अर्थचारा सुदृढ़ हुआ है। और आज की जो मुश्किल घड़ी है, यदि आप पंजाब से जाते हो, और खासकर तब जबकि कोई गाड़ी बस कुछ नहीं चल रही, आप पैदल जिस तरह से चलते हो, तो सीएम साहब ने कहा है कि आपको किसी भी तरह की इस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मुझे एज डिप्टी कमिश्नर या एज डीएम, आपकी कई जगह कलेक्टर भी कहते होंगे, मुझे सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि आपके रहन सहन, खाने पीने का सारा प्रबंध यहाँ पे जालंधर में किए जाए और आपको कोई असुविधा ना हो। माननीय मुख्यमंत्री साहब के जो भी संदेश आपके लिए हैं, मैं पढ़कर आपको पहले सुनाना चाहता हूँ। आपकी सुविधा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो फैक्ट्रियां जो कि अपना कार्य जारी रखना चाहती हैं, उनको कहा गया है कि वो अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर सकती हैं, इस शर्त के साथ कि आप सभी प्रवासी भाइयों को अपनी फैक्ट्री के अंदर रहने के लिए, खाने के लिए सब सुविधा फ्री देंगी। आपके बाथरूम्स वगैरह अंदर इस तरह से बनाए जाएंगे, कपड़े धोने की व्यवस्था इस तरह से होगी ताकि आपको कोई साफ सफाई की समस्या ना हो। और आप जब काम करेंगे तो आपका 1.5 से 2 मीटर आपका फासला इस तरह से रखा जाएगा कि जो कोरोना वायरस की समस्या आपको ना लगे। दूसरी, अगर कोई फैक्ट्री ऐसी है कि जो छोटी है और इन दिनों में जिसका कच्चा माल यदि नहीं आ रहा या बना हुआ माल नहीं बिक रहा, वो फैक्ट्री चलाने में असमर्थ है भाई, तो उन फैक्ट्री मालिकों के लिए मुख्यमंत्री साहब का ये आदेश है कि वो अपनी फैक्ट्री के अंदर ही, यदि वो फैक्ट्री नहीं चलाते, तो जितने भी प्रवासी भाई हमारे यहाँ पे काम करते हैं, उन सभी को वहां पे आश्रय, खाना पीना, राशन सभी वो फ्री देंगे। और ये भी कहा गया है कि अगर इस समय के दौरान कोई फैक्ट्री नहीं चलती है, तो आपकी तनख्वाह जो है रोकी नहीं जाएगी, वो निश्चित तिथि पे आपको मिलेगी लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से और होम डिपार्टमेंट की तरफ से। इस तरह के सारे आदेश जो हैं, सभी मेरे जो फैक्ट्री मालिक हैं उनको दे दिए गए हैं। और फैक्ट्री मालिकों से भी मेरी ये अपील है कि वो किसी भी प्रवासी मजदूर की तनख्वाह इन दिनों में ना रोके, और सरकार की तरफ से जो भी पैकेज आना है, जो भी आना, वो सब आपकी तरफ आ जाएगा। और अगर फैक्ट्री भाई कोई मेरा इस स्थिति में नहीं है कि वो आप लोगों को राशन ना दे सके, तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि आपके लिए फैक्ट्री में ही फ्री लंगर या राशन, दृढ़ संकल्प है सरकार, वो आपके द्वारे तक पहुंचेगा। और यदि कोई फैक्ट्री मालिक ना तो फैक्ट्री चला सकता है, ना उसके अंदर ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो आपको आश्रय दे सके, या कहीं ऐसा हो गया कि आप अपनी फैक्ट्री से चलकर 40-50 किलोमीटर कहीं दूर चले गए, आप वापस जाने की स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि पास में आपका कोई ना कोई कैंप बनाया जाना है, जिस कैंप में आपके रहने, खाने, सोने की पूरी सुविधापूर्ण और मेडिकल व्यवस्था, जितनी भी दवाई की है, वो पंजाब सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा डेरा है राधा स्वामी ब्यास का, उनसे संपर्क किया है, और डेरा ब्यास ने इस चीज के लिए पहले ही सहमति दे दी है कि उनके जितने भी डेरे हैं वो प्रवासी भाइयों के रहने के लिए खोल दिए गए हैं, वहां पे लंगर भी चलेगा। और हमारी तरफ से यदि कोई सूखा लंगर या बाहर से कोई व्यवस्था बने हुए लंगर की भेजनी होगी, तो हम वो भी भेजेंगे। मेरी आपसे विनती ये है कि आप कृपया, अगर आपको कोई दिक्कत है, आप अपने नजदीकी जो SDM हैं या DSP हैं या थानेदार जिसको बोलते हैं, SHO, आपके लेबर इंस्पेक्टर या आपके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं, आपके बहुत सारे यूनियन के नेता भी होते हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, आप उनसे मिलिए, आपकी समस्या दूर की जाएगी। एक और बात, यदि आप ऐसे किसी कैंप में या फैक्ट्री में नहीं रहना चाहते, आपसे मेरी विनती है कि अपने घरों में विराजें। अगर आपका घर किराए पे है, तो सरकार ने ये आदेश कर दिए हैं, केंद्र की सरकार ने भी, सूबा की सरकार ने भी, हमारे राज्य की सरकार ने, कि मकान मालिक इस महीने का किराया नहीं लेंगे। कोई मकान मालिक किसी भी किराएदार को बाध्य नहीं कर पाएगा किराया देने के लिए,
और यदि किराए को बाध्य करते हुए किसी को घर से किसी मकान मालिक ने निकाला तो उसको दंडित किया जाएगा, उसके लिए जो ये एक्ट है उसके तहत कार्यवाही की जाएगी। मेरे सभी मकान मालिकों से ये विनती है कि वो अपने किराएदारों से, खासकर जो हमारे प्रवासी, जो हमारे जितने भी दूसरे राज्यों से हमारे भाई आए हैं, भले ही वो यूपी से हों, उड़ीसा से हों और किसी भी राज्य से भारत के, पंजाब के बाहर के हों, उनको इस काम के लिए किराया देने के लिए बाध्य ना किया जाए। इवन जो पंजाब से भी हमारे मजदूर भाई किराए पे कहीं पे बैठे हैं उनसे किराया ना लिया जाए। और मुझे ये भी आपका पता चला है कि आपके बच्चों से जो फीस ली जानी है, केवल प्रवासी मेरे भाई नहीं, यहाँ वाले भी जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि स्कूलों की तरफ से नोटिस आ गए हैं। आपको मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सभी स्कूलों को, क्योंकि स्कूल बंद है, आप किसी बच्चे को घर में बैठे हुए इस तरह का नोटिस नहीं भेजेंगे जिससे उसके माँ बाप या बच्चों पे बोझ पड़े फीस देने का। फीस का जो भी कार्य होगा, जब स्कूल नॉर्मल अपनी फंक्शनिंग करनी शुरू कर देंगे, बच्चे स्कूल में जाना शुरू कर देंगे, तभी आप लोग फीस लोगे। और इसमें भी यदि किसी स्कूल ने कोताही करी, यदि वो पीएससीबी से यानी कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से या सीबीएसई सेंटर से जुड़ा हुआ है, तो उनको लिख के ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए सिफारिश की जाएगी। इस विनती के साथ मैं दोबारा से अपने जितने भी प्रवासी मजदूर भाई हैं उनसे मैं दोबारा से विनती करता हूँ, आप हमारे मेहमान हैं और पंजाब की ये रवायत रही है कि हमारे यहाँ जो मेहमान है, खासकर हमारे यहाँ पे लंगर प्रथा और गुरु घर की प्रथा जो है बहुत देर से चल रही है, बहुत सारे डेरे दानी संस्थाएं और पंजाब सरकार खुद चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी है। यदि आप पैदल इतनी दूर जाओगे, इतनी गर्मी में आप वैसे ही बीमार हो जाओगे, और ये बीमारी के कण जब आप इकट्ठे चलते हो, ये बीमारी प्लेग से छोटी नहीं है, प्लेग का एक छोटा भाई है जो कोरोना है। और प्लेग से आप सभी ने सुना होगा कि सैकड़ों गांव खत्म हो गए, हजारों करोड़ों लोग मौत हो गई। इस बीमारी से भी ऐसा ही हो सकता है, जो प्लेग है वो चूहे के द्वारा चल के आपके घर में आती थी, और ये जो बीमारी है इसके पास आप खुद चल के जाते हो। यदि आप चल के जाएंगे दिल्ली करनाल जगह जगह से आप निकल के जाएंगे अपने घरों तक, पता नहीं कितने दिनों में पहुंचेंगे, आप भी इस बीमारी से ग्रसित हो जाओगे और आपकी भी जान जा सकती है, आपके जो परिवारजन जहां पे आप जाओगे उनको भी आप इस बीमारी का तोहफा दोगे। समझदार बनिए, इस बीमारी का तोहफा एक दूसरे तक ना पहुंचाइए, जहां है वहीं रुक जाइए, चलकर ये बीमारी आपके पास नहीं आएगी, आप भी चलकर इस बीमारी तक जाओगे। मेरी आपसे विनती है कि चलकर इस बीमारी तक ना जाइए, मौत का ग्रास मत बनिए। पंजाब की सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह, जितने दिन आप रहोगे आपके खान पान सब सुविधाएं हम देंगे, आप जहां पे है वहीं पे रुक जाइए। इस विनती के साथ मुझे पूर्ण आस है कि आज के बाद, आज 30 तारीख होगी, आज की शाम के बाद आप में से कोई भी बाहर नहीं दिखेगा, अपने घरों में होंगे या फिर हमारे कैंपों में होंगे। धन्यवाद, मैं परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि आपको अच्छी सेहत बख्शे और किसी को इस बीमारी का जो है लाग ना लगे।